नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न समृद्ध होंगे, उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या ज्यादा देर दखलंदाजी नहीं कर पाती। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर, सरल और कारगर विषय है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ वशीकरण के लिए बहुत ही रामबाण उपाय साबित होगा। दोस्तों आप जिसको भी पसंद करते हैं, जिसको भी चाहते हैं, वो व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष, वो 100% इस उपाय के बाद आपके पास आने से उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये वीडियो में मैं बहुत ही सचोट उपाय आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल में जो भी नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं या पहली बार जो भी मेरी चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो या कोई भी वीडियो आप आसानी से देख सको। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। शेयर करने से पता नहीं कब किसका कहां काम लग जाए, तो उसका पुण्य फल आपको भी मिलेगा। चलिए दोस्तों आपको करना क्या है। सबसे पहले ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इसके लिए किसी विशेष दिन का इंतजार करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। जब चाहे जैसे चाहे आप इस क्रिया को कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्रिया है। दोस्तों चावल तो हर व्यक्ति के घर में पकते हैं, तो आपको चावल पकाने हैं और चावल के अंदर आपको एक चीज डाल देनी है। वो चीज जैसे ही आप चावल में डालेंगे, आपका पार्टनर या आपका जो भी चाहता है, वो चाहे दुनिया में कहीं भी है, उसको एक करंट जैसा लगेगा वहां। उसी समय, क्योंकि ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है, चावल हर देवी देवता को पसंद है दोस्तों। अच्छा, हर देवी देवता को चढ़ाया जाता है और उसमें घी, घी तो उसकी गणना रत्नों में होती है। ये दो चीज आप जैसे ही मिलाएंगे, वैसे ही एक ऐसी ऊर्जा प्रकट होगी जो पृथ्वी, ये प्रकृति के चारों तरफ वो फैल जाएगी और ये पूरी प्रकृति आपका जो काम है, जिस काम से, जिस उद्देश्य से आपने ये क्रिया की है, उस क्रिया का फल आपको प्रदान करने में पूरी प्रकृति लग जाएगी। दोस्तों चावल जब पकने लग जाए, उसमें उबाल आने लग जाए, उस समय आपको घी के डब्बे में से चम्मच के अंदर थोड़ा सा घी निकाल लेना है। घी देसी होगा दोस्तों तो ज्यादा बेहतर होगा, शुद्ध घी का ही आपको यहां प्रयोग करना है, डालडा घी नहीं। चम्मच में आप इस तरह से चम्मच को पकड़ लें, चम्मच के अंदर घी होगा और आपको 11 बार, सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिस व्यक्ति के लिए आप ये क्रिया कर रहे हैं। आपको इस तरह से ध्यान करना है कि उस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, वो आपको दिख रहा है। इस तरह से आपको अपना ध्यान उस तरफ ले जाना है और आपको 11 बार बोलना है वश्यम वश्यम वश्यम। ये शब्द आपको 11 बार बोलना है। वश्यम वश्यम जब आप बोलेंगे तो वो व्यक्ति की छवि आपके सामने होगी। मतलब ये क्रिया सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति पे ही असर करेगी जिस व्यक्ति का चेहरा या उसकी छवि आपके जहन में होगी।
और 11 बार वश्यम वश्यम बोल के आप उस घी को चावल में, उबलते हुए चावल में डाल दें। बस उस व्यक्ति को वो चाहे जो भी काम कर रहा होगा, जैसे भी बैठा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, एक बिजली जैसा शॉट उसको उसी समय लगेगा और वो शॉट उसके दिमाग को, मन को, विचार को, सबको बांध के और आपकी तरफ मोड़ देगा। जब चावल पक जाए तो सबसे पहले दोस्तों, चावल जिस पे भी पक रहे हैं, चाहे वो गैस पे पक रहे हैं, तो एक चम्मच चावल आप गैस पे चढ़ा दें। अगर चूल्हे पे पक रहे हैं तो एक चम्मच चावल आप चूल्हे पे चढ़ा दें। जिस भी वस्तु के ऊपर चावल पक रहे हैं वहां आपको एक चम्मच चावल चढ़ा देना, बस। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये क्रिया महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। और वो व्यक्ति जीवन भर आपकी गुलामी करेगा। आप जैसे चाहेंगे, जो चाहेंगे, आपकी हर इच्छा वो पूरी करेगा। तो दोस्तों, करते रहिए इसको करने या समझने में। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछे अवश्य। नमस्कार दोस्तों।